नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाविद्या तारा के बारे में। महाविद्या तारा 10 महाविद्या में से दूसरी महाविद्या मानी जाती हैं। तारा को तारिणी भी कहा जाता है। ये मोक्ष के साथ भक्तों के संकटों का निवारण करती हैं। ये माँ की तरह अपने भक्तों का ध्यान रखती हैं तथा हर प्रकार के विघ्नों को शांत करती हैं। जब भगवान शिव ने विष पान किया था तो गले की जलन को दूर करने के लिए माता तारा ने ही भगवान शिव को अपना अमृत तुल्य दुग्ध स्तनपान करवाया था। इनकी उपासना से वाक सिद्धि के अलावा तीव्र वृद्धि, रचनात्मक गुण, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए राह बनना, ये सब गुण इनकी साधना से, इनकी उपासना से मिलती है। माता तारा की उपासना से बहुत से लाभ मिलते हैं, जैसे कि हर तरह के भय से मुक्ति मिलती है, वाक सिद्धि यानी वाणी सिद्धि मिलती है, भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, घर परिवार में सुख शांति आती है, आपका शरीर तंत्र बाधा से सुरक्षित हो जाता है, इनकी पूजा से मेडिकल या टेक्निकल क्षेत्र में सफलता मिलती है, वाद विवाद में सफलता मिलती है, ये हर तरह का दुख समस्या तथा शत्रु पीड़ा को दूर करती हैं। कवियों के लिए इनकी उपासना उत्तम मानी जाती है। अब जानते हैं तारा मंत्र का उपयोग कैसे करें। किसी भी शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं, 10 बार सामान्य प्राणायाम करें यानी गहरी सांस लें और छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें, फिर अपने आज्ञा चक्र को यानी दोनों आंखों के बीच में पिंच करें और उस जगह पर ध्यान देते हुए ओम ह्रीम श्रीम हुम फट मंत्र का वाचिक जप करें। तारा का जो मंत्र है वह है ओम ह्रीम श्रीम हुम फट। ये मंत्र का 10 मिनट तक जाप करें, यानी दोनों आंखों को पिंच करें। पिंच करते ही उस जगह पर थोड़ा सा दर्द होना शुरू हो जाता है। उस जगह पर ध्यान देते हुए तारा मंत्र ओम ह्रीम श्रीम हुम फट इस मंत्र का जाप आप 10 मिनट करें। 2-3 मिनट तक जपते जपते आपकी जबान चिपकने लगेगी, यानी आप ठीक ढंग से बोल नहीं पाएंगे, फिर भी 10 मिनट तक जाप करना है। इस तरह से यह अभ्यास 41 दिन 41 डेज तक करना होता है। आप देखेंगे कि माता की कृपा आप पर होने लगी है। इसमें आपको किसी भी तरह का विधि विधान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर विधि विधान करेंगे तो आपको दीक्षा लेने की जरूरत पड़ेगी, जो कि आम व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं होता। इसलिए यह बहुत ही आसान विधि है। आज्ञा चक्र को पिंच करें और ओम ह्रीम श्रीम हुम फट ये मंत्र का जाप करें, और ये मंत्र का जाप 10 मिनट तक करें। जैसे मैंने बताया कि 2-3 मिनट तक जप करते करते आपकी जबान चिपकनी शुरू हो जाएगी, यानी आप ठीक ढंग से नहीं बोल पाएंगे, फिर भी 10 मिनट तक आपको जाप करना है। इस तरह से यह अभ्यास 41 दिन तक करना है, और इस 41 दिन में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती चली जा रही हैं और माता की कृपा आप पर होती चली जा रही है। अब कुछ जरूरी नियम। पूर्ण श्रद्धा होने पर ही इस विधि को अपनाएं। माता तारा की उपासना 20 वर्ष के ऊपर के स्त्री पुरुष कर सकते हैं। इस अभ्यास में जैसे जैसे आपको सफलता मिलती चली जाएगी, आपका स्वभाव मधुर होता चला जाना चाहिए। आपके स्वभाव में घमंड आते ही अभ्यास का असर खत्म होना शुरू हो जाता है। कोई आपको भला बुरा या गाली दे तो भी आप अपने आप पर नियंत्रण न खोएं। किसी जानकार से राय अवश्य लें, गलत नियत से कभी भी कोई कार्य न करें। इस अभ्यास के द्वारा आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इनकी उपासना गृहस्थ व्यक्ति या सन्यासी व्यक्ति कोई भी कर सकता है। इस विधि में दीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं होती। आशा है आप इन विधियों को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योग आश्रम अलग अलग शहरों में कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएं। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया रेड कलर में सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट या संस्था चला रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।